हेलो बच्चों आपके एन के एग्ज़ाम डेट काफ़ी पास आ चुकी है इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आज हम डिस्कस करते हैं एन के डिटेल्स के बारे में तो चलिए इसकी डिटेल्स कुछ इस टाइप से हैं कि पहली बात तो अपन इसके फुल फॉर्म की बात करें तो एन की फुल फॉर्म होंगी अपनी नेशनल मैथेमेटिक टैलेंट कॉन्टेस्ट जो कि टू का अपन डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो होगी आपकी एसोसिएट ऑफ मैथेमेटिक टीचर्स ऑफ इंडिया के थ्रू जो को नाइनटीन सिक्सटी फाइव में इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो चलिए इसकी अपन आगे की जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से इसका क्राइटेरिया होता है बच्चों क्राइटेरिया की अपन बात करें तो बच्चों इसके अलग अलग क्राइटेरिया में इसको डिवाइड किया गया है जैसे फिफ्थ टू सिक्स सिक्स क्लास स्टूडेंट के, के लिए अलग एग्जाम होता है आपका सेवन टू एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इसको अलग एग्जाम करवाया जाता है और बात करें अपन नाइन्थ टू टेंथ स्टूडेंट के लिए अलग से एग्जाम होता है इसका और एलेवं ट्वेल्थ स्टूडेंट के लिए अलग होगा और उसके बाद भी यदि कोई नेक्स्ट uh, होता है तो उसके लिए ग्रेजुएशन बेस्ड एक अलग एग्ज़ाम होता है आपका तो चलिए अपन इसको डिस्कस करें तो वो कुछ इस टाइप से हैं जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होता है फिफ्ट फिफ्ट टू सिक्स क्लास स्टूडेंट के लिए तो वो होगा आपका प्राइमरी जिसको गोस कॉन्टेस्ट के नाम से अपन जानते हैं दूसरा होता है बच्चों आपका सब जूनियर एग्जाम जिसके अंदर आपका सिक्स टू सेवेंथ क्लास सॉरी सेवन टू एट्थ स्टैंडर्ड क्लास क्लास वाले स्टूडेंट इसके लिए अपीयर कर सकते हैं उसके बाद में आपका है जूनियर जूनियर जिसको भास्कर कॉन्टेस्ट के नाम से अपन जानते हैं जिसमें अपन नाइन टू टेंथ स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट इसको अपीयर कर सकते हैं अगला देखते हैं अपन एंटर जिसको रामानुजन कॉन्टेस्ट के नाम से भी अपन जानते हैं और इसके लिए एलेवंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं दूसरा होगा आपका सीनियर सीनियर में आर्यभट्ट कॉन्टेस्ट के नाम से अपन इसको जानते हैं और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट वाले स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए इस एग्ज़ाम की अपन स्टेजेस की बात करें तो वो होता है आपका एन स्टेजेस तो किस टाइप से आपका पेपर पैटर्न रहेगा उसकी बात करते हैं अपन फर्स्ट है आपका प्रीलियम्स टेस्ट प्रीलियम टेस्ट का क्या होगा बच्चों ये जो एनएमटीसी एग्जाम है वो दो टाइप से परफॉर्म होगा आपका पहला होगा आपका प्रीलियम टेस्ट नेक्स्ट हो आप, नेक्स्ट होगा आपका फाइनल टेस्ट जो प्रीलियम टेस्ट है बच्चों वो फर्स्ट होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप सारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे फिलिंग द ब्लैंक आएंगे और अदर टाइप के क्वेश्चन आएंगे और 20% परसेंट क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे इसके अंदर मॉडरेट लेवल के और 80% परसेंट क्वेश्चन जो होंगे वो अपर लेवल के रहेंगे आपके जो बच्चे प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे उनके उसके बाद में आपका आएगा फाइनल टेस्ट और फाइनल टेस्ट के अंदर क्या होगा कि जो प्रीलिम्स के जो टॉप टेन परसेंट स्टूडेंट होंगे उन कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा और फिर उनको फाइनल टेस्ट के लिए अपियर करवाया जाएगा तो अपन बात करें कि फाइनल टेस्ट जो होगा वो थ्री आवर्स का एग्जाम होगा आपका और इसमें जो क्वालिफाई करता है उनके कुछ अवार्ड्स होंगे और अवार्ड्स आपके अलग अलग टाइप से होंगे अपन बात करें इसके अवार्ड्स की तो कैश अवार्ड विल बी गिवन टू द मिनट आपकी स्लाइड जो है कैश अवार्ड दिए जाएंगे बच्चों कैश अवार्ड विल बी गिवन टू द टॉप थ्री विनर्स इन ईच लेवल एट द फाइनल लेवल हर लेवल जो आपके डिसाइड किए गए हैं उसमें से जो टॉप थ्री स्टूडेंट होंगे बच्चों उन स्टूडेंट को कुछ इस टाइप से अवार्ड दिए जाएंगे कि जो फर्स्ट पोजिशन पर होगा उसको फाइव थाउजेंड रुपीज का आपको अवार्ड होगा सेकंड पोजीशन वाले को टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का अवार्ड होगा और थर्ड पोजीशन जो अचीव करेगा उसको वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज का अवार्ड दिया जाएगा अच्छा एन एम टी सी शेड्यूल एग्जाम शेड्यूल की अपन बात करें बच्चों तो एनएम इसका जो शेड्यूल है वो कुछ इस टाइप से रहेगा जो स्टेज फर्स्ट होगी आपकी वो होगी आपकी प्रीलीम टेस्ट की और प्रीलीम टेस्ट की जो डेट्स होंगी वो डेट कुछ इस तरीके से हैं कि थर्टी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट टू टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इसकी डेट रहेगी और इसका जो टाइमिंग रहेगा बच्चों वो टेन ए एम टू ट्वेल्व 12 नून का रहेगा आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की अपन बात करें जो कि स्टेज फर्स्ट का होगा वो आपका 10 सितंबर 2024 को रहेगा जो फर्स्ट स्टेज है वो कंप्लीट आपका 10 सितंबर तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा फिर उसके बाद में अपन इस फाइनल स्टेज की बात करें बच्चों स्टेज टू की तो उसकी जो डेट होगी वो कुछ इस टाइप से रहेगी कि 19th ऑफ अक्टूबर टू 2024 और इसके जो टाइमिंग्स होंगे वो 10 एम से 1 पीएम रहेगा आपका और डिस्पैच ऑफ आंसर बुक फ्रॉम सेंटर ऑफ ए एम आई टी मतलब उसी दिन आपको उसकी आंसर शीट जो है वो डिस्पेज कर दी जाएगी अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट उसकी जो रिजल्ट होंगे बच्चों वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के टू uh, थाउजेंड के अंदर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट अनाउंस होंगे उसके बाद में अपन बात करें इसके सिलेबस की सिलेबस के बारे में अपन बात करें तो बच्चों फिफ्थ टू सिक्स क्लास स्टूडेंट का जो सिलेबस होगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा आपका अर्थमेटिक मैंचुरेशन एल्जेब्रा और ज्योमेट्री ये पांच टाइप के टॉपिक आपके सिलेबस में रहेंगे और इसमें अपर लेवल की प्रोल्ण, जो प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चन हैं इनको आपको फेस करना है इसमें और इसके बाद में होगा आपका जूनियर सब जूनियर एग्ज़ाम सब जूनियर जो होगा आपका वो सेवन्थ टू सिक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए रहेगा इसके अंदर आपका अर्थोमेटिक रहेगा मैंच्यूरेशन एल्जेब्रा और ज्योमेट्री रहेगी और अगली तरफ बात करते हैं अपन जूनियर एग्ज़ाम की जूनियर भास्कर कॉन्टेस्ट जिसको अपन जानते हैं इसके अंदर आपके नाइन टू टेंथ क्लास स्टूडेंट को इसके लिए अपियर किया जाता है और इसके अंदर जो है बच्चों एलजेब्रा ज्योमेट्री नंबर थ्योरी ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कॉम्बिनेटरी टॉपिक रहेंगे आपके कुछ ये सिलेबस रहेगा आपका डिटेल की अपन बात करें तो बच्चों ये जो एग्ज़ाम है इसका जो एग्ज़ाम होगा मीडियम तो मीडियम विल बी ओनली इंग्लिश मतलब इसका जो है ओनली इंग्लिश मीडियम में आपका रहेगा और फीस की अपन बात करें तो रजिस्ट्रेशन फीस होगी बच्चों आपकी वन फिफ्टी और प्रीलियम टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द पार्टिसिपेंट स्कूल मतलब जिस भी स्कूल्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसी स्कूल में आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा और टेन परसेंट ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन द प्रीलियम टेस्ट परफॉर्म विल बी सेलेक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव स्कूल मतलब जिस भी जिस स्कूल में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो वहाँ पर आपका जो टेन परसेंट सेलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उन्हीं को इसकी एग्ज़ाम के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा मतलब स्टेज टू के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा और इससे भी ज़्यादा यदि आपको जानकारी चाहिए एन एम एग्ज़ाम के बारे में तो आप हमारे रेजोनेंस के सेंटर पर आकर ज़्यादा इंफॉमेसन को कलेक्ट कर सकते हो और आगे के लिए थैंक यू